जन्माष्टमी महापर्व से ठीक 6 दिन बाद भक्त भगवान श्री कृष्ण की छठी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी भक्त विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की छठी का पूजन करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, उन पर कान्हा की विशेष कृपा बरसती है और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि कान्हा की कृपा से कृष्ण भक्त पूरे साल तमाम तरह की विपदाओं और कष्टों से बचे रहते हैं। इस साल सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6वें दिन छठी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्म के 6ठे दिन भक्तों ने विधि विधान से लड्डू गोपाल को स्नान कराकर पीले रंग के वस्त्र, बांसुरी और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार किया और माखन मिश्री का भोग लगाया। इसी कड़ी में वसुप्रधा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा माधव ग्रीन्स गोमती नगर में स्थापित श्री राधा माधव देवस्थानम में भी छठी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री राधा माधव देवस्थानम में लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक आराधना की गई। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के भजन में लीन और कान्हा के रंग में रंगे नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी श्री राधा माधव देवस्थानम में कन्हैया की छठी के मौके पर भजन कीर्तन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए पहुंचे और आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार, प्रदेश के स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और लड्डू गोपाल का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। बताते चलें कि इससे पूर्व श्री राधा माधव देवस्थानम में बीती 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। श्री राधा माधव देवस्थानम में बाल गोपाल के जन्मोत्सव से लेकर छठी पर्व तक भव्य आयोजन की तैयारियां की गई थी। वसुप्रधा फाउंडेशन के ट्रस्टी ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेंद्र चतुर्वेदी के नेतृत्व में बाल गोपाल का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। वहीं जन्माष्टमी महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे मुख्य ट्रस्टी मथुरेश श्रीवास्तव भी नंद गोपाल की छठी पर्व में भाव विभोर होकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाते और आरती करते दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागृह में प्रकट हुए थे तो वहां पसरा अंधेरा छट गया था, उसी प्रकार जब भगवान इस जगत में हमारे हृदय और जीवन में प्रकट होते हैं तब वह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट करके हमारे जीवन में उजाला, ज्ञान और आनंद को प्रसारित कर देते हैं। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।